आज मैं बात करूंगा अपो स्टाइल के बारे में। अपो स्टाइल जो है ये अटेस्टेशन का एक्स्ट्रा वर्जन है। हाय दोस्तों, मेरा नाम MD आर्यन आलम है और आज हम बात करेंगे अपो स्टाइल के बारे में कि अपो स्टाइल क्या है। बहुत से लोग मतलब मुझसे पूछते हैं कि अपो स्टाइल कहाँ होगा, कैसे होगा और अपो स्टाइल मतलब होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, दिखता कैसा है, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है। तो अपो स्टाइल जो है ये मतलब बोलते हैं ना कि पहले जैसे जो लोग पहले गए होंगे बाहर, उनको मालूम होगा कि आपका सर्टिफिकेट जो भी है वो अटेस्टेशन कराना होता है। ये उसका अपग्रेड वर्जन है। और अपो स्टाइल जो है आज से नहीं है, ये कोई नया रूल नहीं है। इंडिया में अभी लागू हुआ है मतलब 2005 में, या सऊदी अरब में 22 दिसंबर 2022 से लागू हुआ है, लेकिन ये रूल बहुत पहले से है। और ये रूल जो है नीदरलैंड में 1961 में ही इसको लाया गया था। और उनका जो आइडिया था वो काफ़ी यूनिक था और सभी देश के सामने इसका रखा गया था। तो कुछ देश का अपना अपना बोलते हैं ना, कुछ लोग एग्री हुए, कुछ लोग एग्री नहीं हुए, ये सबका अलग अलग मतलब बोलते हैं ना अपना अपना आइडिया होता है कि हाँ हम क्यों ये सही नहीं है। तो कुछ लोगों कुछ देश के जो बोलते हैं ना कि जो रूल रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं उन लोगों ने मान लिए थे। और उस वक्त जो था 1961 के टाइम पे ऑलमोस्ट 91 कंट्री फॉलो कर रहे थे और इंडिया जो है 2005 से फॉलो कर रहा है और ये जो सऊदी अरब जो है 22 दिसंबर 2022 से फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब और इंडिया तो एक ही टेरिटरी का हिस्सा है, तो आप में से किसी को भी जाना है तो आपको अपो स्टाइल तो कराना ही पड़ेगा। अब बात यह आती है कि अपो स्टाइल है क्या। तो अपो स्टाइल जो है आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं उस पे स्टाम्प लगता है, बारकोड लगता है। और जो 1961 में जो डिसीजन हुआ था उनका कहना यही था कि हर कंट्री में अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी होते हैं, अलग अलग नाम से होते हैं। तो अगर सामने वाला बंदा अगर वहाँ से यहाँ पे काम करने के लिए आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये जो सर्टिफिकेट है जेन्युइन है। तो उसके लिए उन्होंने एक आइडिया रखा सबके सामने कि ये जो एम्बेसी जो है अगर अपना बारकोड स्टाम्प अगर लगा देता है तो हम मान लेंगे कि ये सर्टिफिकेट मतलब जेन्युइन है, फेक नहीं है। तो अब बात आती है कि इसको कराना कैसे है अपो स्टाइल। तो बहुत सिंपल सा रास्ता है, मैं बता रहा हूँ कि आपको जो कोर्ट होता है ना वहाँ पे जो एक रजिस्टर्ड वकील होगा उनसे एक ना नोटरी पेपर लेना है, 100 रुपये या 200 रुपये लेगा। और SDM ऑफिस से एक स्टाम्प लगेगा, सिग्नेचर्स वहाँ से, और SDM इतने जल्दी टाइम देगा नहीं आप लोग को मिलने के लिए। तो चलिए मैं इसके बारे में रास्ता बताता हूँ। और उसके बाद जो एम्बेसी जो होता है, एम्बेसी से स्टाम्प और वहाँ का स्टिकर लगेगा। तो SDM तो हमेशा टाइम नहीं देता है किसी को क्योंकि वो बिजी रहते हैं बहुत सारे काम पे। तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कुछ एजेंसियों को अथराइज दिया है। आप सर्च मारेंगे हर स्टेट में ऑलमोस्ट अभी अवेलेबल है तो उनका नंबर मिल जाएगा। और कुछ कुछ जगहों पे देखा गया है कि वो लोग सर्विस भी देते हैं, पिकअप ड्रॉप का मतलब पिकअप भी करते हैं और
स्टाम्प वगैरह होने के बाद आपके एड्रेस पे पार्सल भी कर देते हैं, कुरियर से भेज देते हैं, कहने का मतलब। तो मैं किसी एजेंसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से सर्च मारिए, रिव्यू देखिए ट्रस्टेड है या नहीं है, और मतलब काम करा लीजिए उनसे कि अपोस्टाइल कैसे होगा, और वो अपोस्टाइल करके आपको दे देंगे। और इसका जो चार्जेस रहेगा, कहीं कहीं 1000 भी होता है, कहीं 1500 होता है, 2000 भी लेते हैं, 3000 तक भी लेते हैं, तो आपको इतना जाने वाले हैं खर्चे। तो आप इस तरह से आप अपना काम करा सकते हो अपोस्टाइल का। और मैंने कई जगहों पे देखा है कि अपोस्टाइल जो है मतलब बारकोड लगा रहता है, तो बारकोड में जैसे आप स्कैन मारोगे ना, तो आप डायरेक्ट एम्बेसी के वेबसाइट पे चले जाएगा, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्री दिख जाएगा। तो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वो आपको ये नहीं बोल सकता है कि ये फेक है, क्योंकि एम्बेसी ने अप्रूव किया है तो वो जेन्यून है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर।